नमस्कार, केटीवी न्यूज साथे हूँ छू, आपनी साथे कमलेश रोहिड़ा। गुजरात न्यूज में आपनु स्वागत छे। शुरू करिए आजनी अत्यानी सौथी महत्वनी खबर उपर। बिहारना भागलपुर में रविवारे एक निर्माणाधीन पुल तूटी पड़ो हतो। तमने जणावी दईए, बिहारना भागलपुर में रविवारे एक निर्माणाधीन पुल तूटी पड़ो हतो। आ अकस्मातनो एक डरामणो वीडियो सामे आव्यो छे। प्राथमिक माहिती मुजब अकस्मात में कोई जानमालनुं नुकसान नथी थयुं, परंतु पुल तूटी पड़वाना कारणे घटनास्थळे ज अफरातफरीनो माहोल सर्जायो हतो। भागलपुर सुल्तानगंजमां अगुवानी पुल तूटी पड़वानो वीडियो सामे आव्यो छे, जेमां आखो पुल गंगा नदीमां डूबी गयो हतो। नवाईनी वात तो ए छे के आपणा पुलनो एक भाग बे वर्ष पहला पण धराशायी थई गयो हतो। आ पुल 1770 करोड़ खर्चे बनी रह्यो हतो। फरीथी तमने जणावी दईए, 1770 करोड़ खर्चे बनी रह्यो हतो। त्यारे एप्रिल में वावाझोड़ाना कारणे निर्माणाधीन पुलना केटलाक भागोने पण नुकसान पहोंच्युं हतुं। अने खगड़िया अनुवानी में सुल्तानगंज वच्चे गंगा नदी पर बनी रहेलो महासेतुनो मध्य भाग पण तूटी पड्यो हतो। हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह बिहार से जुड़ चुके हैं। अरविंद कुमार, जिस तरीके से अभी बिहार में अभी कुछ समय पहले ही जो पुल बना था, नीतीश कुमार की जो सपनों का पुल था, वो आज धराशायी हो गया, तो इसमें पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये नीतीश कुमार जी का सपनों का पुल नहीं, नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार का पुल था जी। इसके मंत्री है बिहार के उप मुख्यमंत्री चारा चोर के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी, जो बिहार के सबसे बड़े घोटाला चारा घोटाला के सजायाफ्ता हीरो रहे हैं, जिसको कहते थे कि चारा चोर घोटाला चोर, तो वो लालू यादव जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री रहे हैं। और ये बराबर ये पुल धराशायी हो जा रहा है, क्योंकि इस पैसे को, ये सारे घोटाले के पैसे को बिहार में चुनाव में खर्च के लिए जमा किया जाता है, जिससे जदयू की फंड बढ़ रही है और राजद की फंड बढ़ रही है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराया जाए और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि 12 तारीख को बिहार में चोरों की बारात आने वाली है, जिसका नेतृत्व बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये पूरा जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों से इतनी कमीशन ली गई कि आज उसका कमीशन भेंट चढ़ गया है यह पूरा पुल। अरविंद जी, 1717 करोड़ का बिहार सरकार को चूना लगा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 700 करोड़ उसमें खर्च हुई कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। पैसा गया कहाँ, इस जांच का विषय है। और ये जितने भी अधिकारी उसमें लगे हैं, सारे की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और उसके मंत्री की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री के संपत्ति की जांच तो जब से बिहार में सरकार है तब से चल रही है, चारा घोटाला के समय से। लेकिन जितने अधिकारी हैं, सब की संपत्ति जांच होनी चाहिए। और इसकी बजाय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। चूंकि लोग ये नहीं कहे कि किन सरकार ने दबाव दिया, तो फलना सरकार ने दबाव दिया, हाईकोर्ट के सिटिंग जज किसी के पक्ष में नहीं होंगे, वो न्याय करेंगे। अरविंद जी, आपको लग रहा है कि इस ये जो 1700 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार बिहार सरकार में, इसमें नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देंगे, मतलब अपने भ्रष्टाचार के लिए? नीतीश कुमार संवेदनहीन मुख्यमंत्री है बिहार का, वो कभी भी इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। उनके मन में एक उत्सृंखला पैदा हो रही है, क्योंकि अगर ऐसे मुख्यमंत्री अगर संवेदनहीन होते तो वो दुख व्यक्त करते। और उस ये तो सिर्फ एक मुहिम पिकनिक पार्टी अभी कर रहे हैं, चोरों की बारात बिहार में 12 तारीख को लगाने वाले हैं। सारे देश भर के भ्रष्टाचारी, सारे देश भर के मतलबी अवसरवादी और सारे देश भर के कुर्सी के लिए बेचैन रहने वाले जनता से नकारे हुए लोग बिहार में जुटाने में इनकी पैसा कहां से इतना आ रहा है, ये सब जांच का विषय है। और बिहार के मुख्यमंत्री आज सबसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री है, इनकी संवेदना बन गई है, इनकी मानवीय संवेदना खत्म हो गई है। ये सिर्फ जो है घोटालों बाजों के सम्राट बने हुए हैं बिहार के जी। अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगुवानी सुल्तानगंज पुल गंगा नदी में बिहार में पुल तूट्यो छे। नवाईनी वात ए छे के 1717 करोड़ नु ब्रिज हजी तो हमणा बन्यु हतु,
ત્યારે જ આ તૂટી પડ્યું છે. તમે કેટી ન્યૂઝ ઉપર દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે ભ્રષ્ટાચાર, મહાભ્રષ્ટાચાર અત્યારે બિહારમાં દેખાઈ રહ્યો છે. 1700 કરોડના અધધ ખર્ચે જે બ્રિજ બન્યો છે એ એક સાથે ધરાશાયી થઈ ગયો છે. આ જે ઘટના જે બની છે તે બિહાર સરકાર ઉપર સવાલ ઉઠાવી રહી છે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે જે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર છે આ ઘટનાની જવાબદારી લે છે કે નહીં, અથવા તો તે રાજીનામું આપે છે કે નહીં, તે હવે બહુ સૌથી મહત્વનો સવાલ છે. नियत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो. बिहार के मुख्यमंत्री जी आप इसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां किए थे 2014 में भी, आपके साथ यही थे. और एक बार पुल सुल्तानगंज के तरफ गिरा था और आज पुल खगड़िया के तरफ गिरा, कई पुल पूर्णिया में भी गिरा बिहार के अंदर. ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसकी परिणति दिखाई पड़ रही है. है हिम्मत? न्यायिक जांच कराएंगे या सीबीआई से जांच कराएंगे? बड़े बड़े घोटाले का परिणाम है कि आज व्यवस्था चरमरा रही है. लेकिन ये भ्रष्टाचारियों की जमात विपक्षी एकता की बात करते रहेंगे. बिहार के अंदर लूट की छूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, कोई चिंता नहीं है. अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के सपना में बेखबर है. क्या हो रहा है बिहार के अंदर? जिम्मेवारी क्यों तय नहीं करते हैं? जब एक बार पुल गिरा था सुल्तानगंज के तरफ, आप सही रूप से जांच करते, दोषी पदाधिकारी को पकड़ते, संवेदक को पकड़ते, लेकिन कैसे पकड़ेंगे कमीशन खोरी के कारण? हिम्मत आपकी नहीं है, जिम्मेवारी किसी का तय करना, क्योंकि भ्रष्टाचारियों के कारण आपके सभी वर्क डिपार्टमेंट में कमीशन बना हुआ है. और कमीशन तो अब उच्चस्थ पदाधिकारी के द्वारा तहसीलदारी किया जा रहा है. मुख्यमंत्री जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये नाटक क्या हुआ? जवाब दीजिए. स्पेशल कमेटी गठित करके पिछले जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक कीजिए और अभी का जांच न्यायिक जांच होनी चाहिए. न्यायिक जांच के माध्यम से स्पष्ट होगा, क्योंकि आपके पदाधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचाता है, किसी पर कार्रवाई नहीं होने देता है. और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन भ्रष्टाचारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी जांच कमेटी का मांग करेंगे? थोड़ा स्पष्ट कर दें.